अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आज जो है मैं आप लोगों के लिए स्पेशल ईद मेकअप लेकर आई हूँ, जो कि आप इजीली दिन के टाइम जो है आप अपने फेस पे कर सकते हैं और बहुत ज़बरदस्त से आपका लुक क्रिएट हो जाएगा। तो बस चलते हैं हम अपने मेकअप की तरफ। मैं फेस पर मेकअप करने वाले हैं, तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना होता है कि हमारे फेस पे जो है एक्ने वैक्नी ना हो, क्योंकि कंटिन्यू हम तीन दिन तक कहीं ना कहीं इंसान जा रहा आ रहा होता है। और जो मैरिड गर्ल्स होती हैं उनका तो ससुराल में ही इतने सारे रिश्तेदारों में कहीं ना कहीं जा ही रहे होते हैं, दावतें चल रही होती हैं। तो इस चीज़ का आप लोग ख्याल रखें कि आप लोग जो कभी एलोवेरा या फिर अर्के गुलाब जो होता है अपने फेस पर जो है स्प्रे कर लिया करें, और मॉइस्चराइज अगर स्किन अगर आप लोग नहीं कर रहे हैं तो इस चीज़ का टोनर वगैरह का यूज़ कर लिया करें। तो बस ये मैंने अपने फेस पे जो है प्राइमर अप्लाई कर लिया, इस पर जो है कंसीलर लगाऊंगी, उसके बाद जो है मैं ये यूज़ करूंगी, फिट मी का बीबी क्रीम है ये, और उसके बाद जो है ये भी डार्क शेड है एसटी का, तो फिर बस मैं इससे मेकअप करूंगी आप लोगों के सामने। ज़्यादा जो है मैं कुछ नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि हम ये जो मेकअप कर रहे हैं ये डे टाइम के लिहाज से कर रहे हैं। तो ये है कि अगर हम जो है बहुत ज़्यादा फाउंडेशन वगैरह लगाएंगे तो हमारा फेस जो है काफ़ी रेखी रेखी सा हो जाएगा, और जो है ऑयली जो जैसे अगर हम कहीं बाहर जाएंगे, तो अभी जो है वेदर जो है बहुत गर्म हो गया है क्योंकि रमज़ान एंडिंग पर है, तो जो है गर्मी ने भी मतलब अपने रंग दिखाना शुरू कर दिए। ये तो अल्लाह का करम था कि हमारे रमज़ान जो थे बहुत अच्छे गुजरे हैं। अब ये जो है फिटने की मेरे पास बीबी क्रीम है, आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप वो यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा ही मैंने लिया है। इसे लेने के बाद जो है मैं इसे अपने फेस पे और नेक पे अच्छे तरीके से जो है अप्लाई कर लूंगी। टैप टैप करके जो है मैंने सारा जो ये फाउंडेशन है इसको मैंने अपने फेस पे अप्लाई कर लिया है, फिंगर की हेल्प से ही मैंने किया है। और ये मैंने अप्लाई कर लिया था, और अब जो है एसटी का मैंने डार्क शेड लूंगी, मैंने बहुत ज्यादा नहीं लिया है। इसी को ही मैंने टैप टैप करके लगा लिया है, और जो है मैं अपनी फिंगर से ही इसको ब्लेंड कर लूंगी। आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप लोग वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा फिर है हमें ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, क्योंकि फेस पाउडर से जो है हमारी जो हम फाउंडेशन यूज़ करते हैं हमको फैट रखता है, और अब हमारे फेस पर जो है ऑयल नहीं आने देता। तो इस चीज़ का भी आप लोग ख्याल रखिएगा कि फेस पाउडर जो है आप थोड़ा ज़्यादा ही लें, कंजूसी से ना लें, आपके आई की जो है आई की जो साइड है इसको भी आप कवर करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों के यहाँ पे फाइन लाइंस होती हैं और यहाँ पर जो है पसीना आता है। मैंने अपने कॉन्ट्रोल से ये कलर लिया है, इससे जो है मैं अपनी क्रीज लाइन बनाऊंगी। ये ऊपर मैंने हाथ रख लिया ताकि मेरी क्रीज लाइन बनाने में जो है मुझे आसानी हो। क्रीज लाइन जो है वो मेरी बन चुकी है, और अब जो है मैं अपनी नीचे आंख के जो आउटर साइड है उसके ऊपर जो है मैं एक छोटे से ब्रश की हेल्प से जो है इसके कॉर्नर बनाऊंगी डार्क शेड से इसी पैलेट के। और अब जो है मैंने एक छोटा सा ब्रश लिया है, उससे जो है मैं आंख के नीचे जो है ब्राउन और पिंक शेड जो है वो अप्लाई कर रही हूँ अपनी दोनों आंखों के नीचे। मैंने आई के नीचे भी लगा लिया है। डार्क शेड मैंने ज्यादा इसलिए यूज किया है ताकि कैमरे में आप लोगों को प्रोमिनेंट बिल्कुल क्लियर नजर आए। शेड यूज किए थे इनको मैं कर लूंगी ब्लेंड।
सर जितनी अच्छी आपकी ब्रांडिंग होगी उतना ही अच्छा आपका आई मेकअप लगेगा। जो है मैंने ये शेड उठाया है पिंक कलर का, उससे मैं अपने आईब्रो पे लगाऊंगी। इसको थोड़ा फिंगर से ही मैंने अप्लाई किया है, अगर आपसे फिंगर से सही तरह से अप्लाई ना हो तो आप ब्रश की हेल्प से भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं इजीली। तो मैं ये ज़्यादा शेड इसलिए ले रही हूँ ताकि आप लोगों को कैमरे में से प्रोमिनेंट अच्छे तरीके से नजर आ जाए। और इसको अप्लाई करने के बाद जो है मैंने अपने पैलेट से ये पिंक शेड उठाया है और मैं इसके ऊपर अप्लाई कर लूँगी थोड़ा सा ही। अब जो है मैंने वाइट से मर लिया है अपने पैलेट में से ही, और ये जो है मैं अपनी आईब्रो के नीचे लगाऊंगी और इसको जब भी जो है मैंने अच्छे तरीके से जो है ब्लेंड कर लिया है फिंगर से ही। और अब जो है मैंने आप लोगों से पहले भी शेयर किया था ये मस्कारा, तो बस ये जो है मैंने यही मस्कारा यूज़ किया है और इसी से मैंने जो है अपनी आईब्रोज जो है बना ली हैं। इससे जो है बड़ी आसानी से जो है हमारी आईब्रोज की शेप आ जाती है, तो ये आप लोग देखें। और अब हम चलते हैं कॉन्टोर की तरफ, और कान के पास से ही जो है मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, उसी से जो है मैं ब्रश से, और अब जो है मैं ब्रश को ऊपर की तरफ चला रही हूँ और अपने जो है अच्छे तरीके से ब्लेंडिंग कर रही हूँ। और अब जो है मैंने थोड़ा बड़ा ब्रश लिया है और उसे मैं अच्छे तरीके से अपने फेस पे ब्लेंड कर लूंगी, माथे पे और अपने साइड्स की चिक्स बोन पे मैंने इसी ब्रश से लगाया है, और जो है इसी ब्रश से ही जो है मैंने ब्लेंडिंग की है। और अब जो है मैं नोज की कंटूरिंग करूंगी, नोज की कंटूरिंग जो है वो मैंने जो है फिंगर से की है क्योंकि मुझे इस तरह से ज्यादा बेहतर लगता है और बहुत अच्छी तरीके से जो है फिंगर से ब्लेंड भी हो जाता है। और अब मैं लगाऊंगी ब्लश ऑन, अपने दूसरे चिक पर भी मैं इसी तरीके से ब्लश ऑन लगा लूंगी। और अब जो है मैं हाइलाइटर लगाऊंगी, अगर ब्रश से कम लगे तो आप फिंगर से भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। और अब मैं लगाऊंगी लाइनर, ज्यादा मोटा मैं नहीं लगाती क्योंकि मुझे जो है पसंद नहीं है लाइनर, मुझे ऐसा लगता है जैसे लाइनर जो है वो मुझ पे सूट नहीं करता। तरीके से मैं अपनी दूसरी आई पे भी लगा लूंगी, तो लाइनर मेरा कंप्लीट हो गया है। और अब जो है मैं मस्कारा लगाऊंगी, तो मस्कारा भी मेरा कंप्लीट हो गया है। और अब जो है मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ, कोई भी कलर जो आप लोग को पसंद हो आप लोग वो अप्लाई कर लें लिपस्टिक का शेड लेके। तो मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आप लोगों को आज मैंने आपको कैसा लगा। तो ये बहुत जल्दी से मैंने मेकअप कर लिया है और बहुत अच्छा सा मैंने लुक क्रिएट किया है, आप लोग भी इसी तरीके से कर सकते हैं। तो ये है मेरा फाइनल लुक, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।